अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम सेकंड ईयर इंग्लिश के सिलेबस और पेपर पैटर्न की बात करेंगे। सेकंड ईयर के सिलेबस को हम तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। नंबर वन, इसमें बुक टू शामिल है जिसका नाम है मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़। इसको बुक टू भी कहते हैं। सेकंड ईयर की जो इंग्लिश की किताब है वो शामिल है। इस किताब के दो हिस्से हैं, पार्ट वन जिसमें 10 लेसन्स हैं और इसके पार्ट टू जिसमें 5 हीरोज शामिल हैं, यानी बुक के दो हिस्से उसमें शामिल हैं। सो पहले सिलेबस का पहला हिस्सा बुक टू पे मुश्तमिल है, जो सेकंड ईयर की किताब है। और नंबर टू पे सेकंड ईयर के सिलेबस में एक नावल शामिल किया गया है जिसका नाम है गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये नावल भी हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरा जो सिलेबस का हिस्सा है वो ग्रामर एंड कंपोजिशन पे मुश्तमिल है, जिसमें एसेज शामिल हैं, एडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, ट्रांसलेशन है और प्रेपोजिशन भी सेकंड ईयर के सिलेबस में पढ़ी जाती है। तो ये सेकंड ईयर के सिलेबस के तीन बड़े हिस्से हैं। नंबर वन बुक टू, नंबर टू जो है वो नावल है गुड बाय मिस्टर चिप्स, और नंबर थ्री पे ग्रामर एंड कंपोजिशन है। ये सिलेबस के तीन बड़े हिस्से हैं। पेपर पैटर्न की जहाँ तक हम बात करें तो सेकंड ईयर का जो इंग्लिश का पेपर है वो 100 मार्क्स पर मुश्तमिल होता है, 100 नंबर का पेपर आता है। और इसको डिवाइड इस तरह से किया जाता है कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर आता है और 80 नंबर का 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर जो है वो सेकंड ईयर का स्टूडेंट्स ने सॉल्व करना होता है। तो इस तरह से 100 मार्क्स का पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव पेपर आपका 20 मार्क्स पर मुश्तमिल होता है, और इन 20 मार्क्स की जो डिवीज़न है उसमें 10 मार्क्स आपके वोकेबलरी के आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं आपकी बुक टू से और नावल से। उसकी मज़ीद अगर हम डिवीज़न की बात करें आगे तो आपकी जो बुक टू है उसके पार्ट वन से 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, और पार्ट टू जो हीरोज़ हैं वहाँ से भी 3 नंबर के जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, सिनोनिम्स का, वो उसमें से आता है। और बाकी जो 3 नंबर हैं, सॉरी 6 नंबर जो हैं वो आपके नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स से आते हैं। तो ये 10 नंबर के जो सिनोनिम्स हैं, वो गैलरी है, वर्ड अंडरलाइन किया गया होगा और 4 ऑप्शंस दी गई होंगी, और जो उसके मीनिंग के सबसे ज़्यादा क्लोज होगा उसको आप टिक करेंगे। तो ये 10 नंबर का वोकेबलरी का, वर्ड्स का, सिनोनिम्स का ये क्वेश्चन आता है, जो 3 नंबर बुक के पार्ट वन से, 3 नंबर पार्ट टू से और 6 नंबर आपके नावल से आते हैं। 5 नंबर का इसमें प्रपोजिशन का क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रपोजिशन। तो 5 नंबर आप प्रपोजिशन के करेंगे ऑब्जेक्टिव में, और 5 नंबर का आपको आपने टिक करना होगा करेक्ट सेंटेंस जो है। 4 ऑप्शंस दी गई होंगी, उनमें एक ऑप्शन जो है वो ठीक होगी, और जो करेक्ट सेंटेंस को आपने टिक करना होगा 5 नंबर का ये होगा। तो इस तरह से 10 मार्क्स के वर्ड्स, वोकेबलरी, सिनोनिम्स, 5 प्रपोजिशन और 5 करेक्ट सेंटेंसेस के, इस तरह से 20 नंबर की आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, उसकी डिवीजन इस तरह से है। बाकी आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है वो 80 नंबर पर मुश्तमिल होगा। क्वेश्चन वन जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर का क्वेश्चन वन होता है, आपका सब्जेक्टिव पेपर जो है वो क्वेश्चन टू से स्टार्ट होता है। तो सब्जेक्टिव का वैसे क्वेश्चन वन होगा, लेकिन आपके पेपर का वो क्वेश्चन टू काउंट होगा, वो आएगा आपकी बुक टू पार्ट वन से। शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है। आपने ये क्वेश्चन 12 नंबर का होगा टोटल, आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो करने होंगे, 6 out of 9 आपने करने, 3 की चॉइस होगी, 9 क्वेश्चन आएंगे, आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं और ये 12 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन जो होगा वो भी बुक टू से ही है, लेकिन वो बुक टू का पार्ट टू जो हीरोज़ हैं 5 उनमें से आएगा। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये भी आपने 6 ही क्वेश्चन करने हैं, ये भी 12 नंबर का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें और दूसरे पहले क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि ये आपने 6 करने हैं 8वें से, और जो ऊपर आपने क्वेश्चन जो मैंने बताया है सब्जेक्टिव का जो पहला क्वेश्चन है वो आपने 6 out of 9 करने हैं, और ये वाला 6 out of 8 करने हैं। तो ये भी 12 नंबर का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके नावल से आएगा, गुड बाय मिस्टर चिप से, शॉर्ट क्वेश्चन ही है। ये 16 नंबर का क्वेश्चन होगा 16 का, और जाहिर है कि आपने
8 क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं एंड यू विल अटैम्प्ट 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 12 क्वेश्चन. 12 क्वेश्चन दिए गए होंगे, उनमें कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे, उनके आंसर्स लिखेंगे और हर आंसर के आपको 2 में से नंबर मिलेंगे और इस तरह ये 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा. तो इस तरह ये 40 मार्क्स का आपका बुक 2 और जो नॉवल है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस के ये पेपर आपके सब्जेक्टिव पेपर में आएंगे 40 मार्क्स. ओके, अगला क्वेश्चन जो होगा वो ऐसे का है. आपने एक ऐसे लिखना है, 4 ऐसेज आपके इम्तिहान में आएंगे. यू विल अटेम्प्ट 1 ऐसे आउट ऑफ 4 और ये 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स का होगा. आपने 5 इडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स को अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है, सेंटेंसेस लिखने हैं और ये टोटल 8 आपके इम्तिहान में आपके पेपर में आएंगे जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं और ये 10 नंबर का सवाल होगा. यानी एक सेंटेंस अगर आप सही लिखते हैं, इडियम या फ्रेजल वर्ब को सही इस्तेमाल करते हैं, तो उसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे. इसका 7वां और आखिरी जो क्वेश्चन है वो ट्रांसलेशन का आता है. एक पैराग्राफ दिया गया होगा, इसमें कोई चॉइस नहीं होती है, उर्दू का पैराग्राफ होगा. यू विल हैव टू ट्रांसलेट उर्दू पैराग्राफ इनटू इंग्लिश. वो ये 15 नंबर का ये क्वेश्चन होगा. तो इस तरह से ऐसे के 15 नंबर, इडियम्स के 10 नंबर, ट्रांसलेशन के 15, 40 नंबर इसके हो गए. 40 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन और 40 नंबर के बाकी ये क्वेश्चंस मिलकर आपका 80 मार्क्स का ये सब्जेक्टिव पेपर बनाते हैं. तो इसका मतलब है कि ग्रामर एंड कंपोजिशन के 40 मार्क्स आएंगे आपके सब्जेक्टिव पेपर में और सब्जेक्टिव पेपर में आपकी जो बुक 2 है और जो नॉवल है गुड बाय मिस्टर चिप्स, उसमें से भी 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर जो है वो आएगा. ये था सेकेंड ईयर की जो इंग्लिश है उसका सिलेबस और पेपर पैटर्न. अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम द डाइंग सन जो पहला लेसन है बुक 2 का उसको पढ़ेंगे. उसकी आप रीडिंग कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. अल्लाह हाफिज़.